Yo yo, hey guy, what's up? Once again, I'm standing here near of Akash Institute Hospital. ये हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 3 में है और आपका भाई आज एक बार फिर 2BHK का फ्लैट इसी हॉस्पिटल के आसपास दिखाने जा रहा है। हॉस्पिटल के आसपास मतलब द्वारका सेक्टर 3 के आसपास, और मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये रोड आपकी जा रही है सीधा गुड़गांव और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, जो लोग रेगुलर गुड़गांव जाते हैं और उनको सस्ता फ्लैट 2BHK का नहीं मिल रहा, तो उनके लिए यकीन मानिएगा इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, मेरा ये दावा है। सस्ते बजट का वो फ्लैट जो ईएमआई भी कम मिल जाएगी, पैसे भी कम खर्चने पड़ेंगे आपको, सब चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, इससे बढ़िया फैसिलिटी, इससे बढ़िया नीरो पार्क, इससे बढ़िया नीचे सारी चीज़ें आपको मिल नहीं सकती। दोस्तों, बाकी फ्लैट पर जाके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपके बजट का फ्लैट है द्वारका और गुड़गांव जाने के लिए, जो लोग रेगुलर जाते हैं उनके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। चलो चलते हैं सीधा फ्लैट के ऊपर, और चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होने वाली है। तो आ गया हूँ दोस्तों उसी आशियाने में जिसकी तारीफ आकाश हॉस्पिटल के पास मैं कर रहा था। 2BHK का फ्लैट है दोस्तों, 55 BHK का फ्लैट है, और ये फ्लैट मैं बताऊं आकाश हॉस्पिटल जहां मैं खड़ा था उसके बिल्कुल नियर बाय है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है 200 मीटर का। मैं पैदल चलना पड़ेगा, कोई रिक्शा और कोई ई रिक्शा, कोई किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप सीधा सेक्टर 3 पे जाइए, कोई कैब, जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी आपको व्हीकल फैसिलिटी चाहिए आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी पूछना चाहते हैं तो दोस्तों मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर, लगभग 12-13 मिनट का पैदल रास्ता उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन की रहेगी। मेरा कहने का मतलब है, एक तो चीज़ बजट में आ गई, ठीक है, हमें मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी भी मिल गई, हमें द्वारका सेक्टर 3 की कनेक्टिविटी भी मिल गई, हमारा द्वारका जाना आसान हो गया, हमारा गुड़गांव जाना आसान हो गया, हर चीज़ मल्टीप्लेक्स पार्क कोई कमी नहीं है, विद इन 2 किलोमीटर हर चीज़ मेरे को मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक तो द्वारका में आपको पता ही कि प्रॉपर्टी करोड़ में आती है, मानते हो ना, उसी लोकेशन के आसपास अगर आपको 200 मीटर इधर उधर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसका बजट मोटर लाखों में पहुंच जाता है, और लाखों में क्या, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होके ऐसी चीज़ बजट में आ जाती है जो आपको एक छोटी मोटी जिसकी सैलरी है 30,000, 35,000 या 40,000 वो भी आराम से EMI पर सर्वाइव कर सकता है। एटलीस्ट आप जो किराया भरते हो आपकी छुट्टी हो जाएगी, वही किराया आपका EMI में चलेगा, इससे बेहतर और इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। दोस्तों चीज़ें बीच बीच में और बताता रहूँगा। ये देखिए, ये ड्राइंग रूम की वॉल देखिए, ग्लास लगा हुआ है, माइका लगा हुआ है, पूरा वुडन का काम इस कोने से लेकर उस कोने तक क्या हुआ है, आराम से यहाँ एल टाइप का सोफा लग जाएगा, बीच में आपकी सेंटर टेबल आ जाएगी। अगर लेआउट समझाना चाहूँ तो ये हमारा है बिल्कुल एंट्रेंस डोर, यहाँ से मैं आया और राइट साइड पर आपको टीवी पैनल मिल गया। टीवी पैनल मिलने के बाद ये दोनों बेडरूम आगे फ्रंट पे बालकनी वाले, ठीक है, दोनों कमरों में वेंटिलेशन है। हालांकि बहुत जो लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लंबा नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्क्वेयर जिसके दोनों बेडरूम फ्रंट पे हो। तो दोस्तों ये वही फ्लैट है जिसके दोनों बेडरूम फ्रंट पे हैं, ठीक है। बेडरूम में जाएंगे तो ये आ गया दोस्तों एल टाइप का कॉर्नर बन गया, तो यहाँ पर आपका आराम से एक सोफा प्लेस हो जाएगा, साथ में सेंटर टेबल आ जाएगी, और बीच का ये डिस्टेंस है कम से कम 13 से 14 फुट का रहेगा। आराम से आपका बड़ा सा टीवी लग जाएगा, कम से कम से 42 इंच का या 50 इंच का जैसा लगाना चाहिए। ये आ गई दोस्तों हमारी प्यारी सी किचन, हमारी माता और बहनों के लिए बहुत ही सुंदर सी बना किचन बनाई है हमने, वेंटिलेशन के लिए आशावट रखी है, यहाँ हमको चिपली का प्लेसमेंट करके देंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं बिजली और पानी के नाम पे 40,000 रुपए, आपने ध्यान रखना एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना, एवरीथिंग इन इंक्लूडिंग इन दिस डील। कैसे, जैसे पानी का कनेक्शन लोग डीलर के पास जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, नहीं जी 40,000 रुपये लग रहे हैं, नहीं जी 20,000 मीटर के लग रहे हैं, 60,000 रुपये आपसे ऐसे ले लिए जाते हैं, और ऐसा आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं देनी, ऐसा आपने एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना, सब कुछ इस डील के अंदर है। बहुत ही रिजनेबल फ्लैट है दोस्तों, कॉमन वॉशरूम मैं दिखाना भूल गया था, कॉमन वॉशरूम ये आ गया, इसमें बाथरूम की सारी सस्ती लगी मिलेगी, वॉल माउंटी लगी मिलेगी, डाइवर्टर शावर सब कुछ लगे मिलेंगे, सामने हाईलाइटर दिया हुआ है, सुंदर सी टाइलें दी हुई हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। और अब मैं आ रहा हूँ पहले बेडरूम के अंदर जो अटैच बाथरूम के साथ है दोस्तों मेरे, और ये है पहला बेडरूम,
पीछे वॉल हमने बहुत ही खूबसूरत यहाँ में बनाई है, सारा बोर्डिंग का काम है इस कोने से इस कोने तक, या कॉर्नर में लोअर लगे हुए हैं, बीच में ये गोल्डन कलर की बीविंग लगी हुई है, साथ में माइका लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा। यहाँ बीच में बेड आ जाएगा, सुंदर सी लाइट ऊपर गिरेगी तो एक क्लास लगेगी, बहुत ही सुंदर और प्यारी लगेगी। अटैच वॉशरूम में हमने सारी आप विंडो टाइलें दी है, डाइवर्टर शावर और टैप और सारी फिटिंग हमने यहाँ भी देनी है। और स्क्वायर फ्लैट होने का फायदा क्या होता है, जिस तरह विंडो देख रहे हो यहाँ पर आपका विंडो एसी लग गया, पूरी वेंटिलेशन है, और दूसरे बेडरूम में जब जाऊंगा बालकनी मिल जाएगी। और ये आ गया प्यारा सा बेडरूम के अंदर पैनल, यहाँ भी आपका 32 इंच से लेके 40 इंच का टीवी यहाँ भी इंस्टॉल रहेगा, खूबसूरत सा पैनल लगा हुआ है, साथ में प्रोफाइल लाइट लगी हुई, फोकस लाइट भी लगेगी। अपने आप में हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ठीक है, ये बेडरूम था पहले वाला, ये फ्लैट बहुत ही प्यारा है, नया फ्लैट है बिल्कुल, इसमें लिफ्ट भी है, चीजें बताते बताते रह जाती है ना, तो याद आ गया मुझे, इसमें लिफ्ट भी है, कार पार्किंग और टू व्हीलर दोनों का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, और ये देखिए ये एक बेडरूम और आ गया, राइट लेफ्ट अलमीरा बनी हुई है, बीच में आपका 6.5 फुट का स्पेस है, यहाँ बेड आ जाएगा। और पीछे हमने ये अभी वीडियो हमने जल्दी बना दी, पीछे ये प्लेन वॉल है, इसके ऊपर आप वॉलपेपर का ऑप्शन या कुछ आप अपना सजेस्ट करके ऑप्शन बताना चाहे बता सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा बेडरूम भी देखिए, ये देखिए ऊपर विंडो एसी लग गया, ये वेंटिलेशन आ गई और सामने बालकनी होगी, बालकनी में अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो भी बेहतरीन है, और बिल्कुल द्वारका के आसपास लोगों की मैं कहता हूँ बहुत हायर डिमांड रहती है कि द्वारका के आसपास हमें ये चीजें मिल जाए, ताकि हमारा मुद्दा हल हो जाए। और डेली जो हमें 100-100 रुपए खर्च के पहले तो मेन रोड पर जाना पड़ता है। अच्छा, सेकेंडली एक बात और बता दूं, मैं भी स्किप ना भूल ना जाऊं इसलिए पहले बता रहा हूं, जो बंदे द्वारका मोड़ पे लेते हैं फ्लैट, वो 3-3 किलोमीटर अंदर ले रहे हैं, फिर द्वारका मोड़ पे आते हैं, फिर जाके द्वारका उनका टच होता है, जब तब जाना पड़ता है गुड़गांव उनके लिए। ठीक है, द्वारका मोड़ उत्तम नगर का ही पार्ट है, द्वारका मोड़ द्वारका नहीं होता मेरे दोस्तों, द्वारका मोड़ उत्तम नगर का ही पार्ट है, वो दस्ता द्वारका मोड़ मतलब द्वारका मुड़ता है। ठीक है, द्वारका मोड़ में अगर हम 3 किलोमीटर अंदर लेते हैं तो पहले 1.5 घंटा बाहर आने में लग जाता है, और जहां ये फ्लैट देख लो ना सेक्टर 3 के पास, तो आपको 1 घंटा बचा दिया, सीधा यहाँ से अगर गुड़गामा जाता है मुश्किल से 22 से 25 मिनट में आप गुड़गामा पहुंच जाते हो। इतनी बढ़िया चीज है, मैं कहता हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं लिया तो 2 BHK उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बालकनी, तो आगे है उस बालकनी के अंदर पूरी रोशनी आ रही है, हालांकि सिर्फ मैं अपर ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूँ, ऊपर चला जाऊंगा तो रोशनी और बढ़ जाएगी, इसमें टॉप फ्लोर भी मिल जाएगा, इसमें टेरेस का राइड भी मिल जाएगा, अभी ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, आगे ये 25 फुट का रोड है, अगर यहाँ से मैं राइट हो जाता हूँ मुश्किल से 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको द्वारका सेक्टर 3 आकाश हॉस्पिटल आ गया। तो मुझसे दोस्तों जितनी चीज बन पड़ती थी मैंने सारी दिखाई है, वो गली दिखाई है मैंने, आकाश हॉस्पिटल का सारा वो रास्ता दिखा दिया मैंने, बालकनी दिखाई मैंने, दोनों बेडरूम स्क्वायर सब एंट्री दिखा दी। ठीक है, तो रेट इसके बहुत रिजनेबल है, तो उसके लिए आपको फोन करना पड़ेगा, रेट के लिए आपको मुझे फोन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई चीजें ऐड ऑन है, कई चीजें लेस हैं, जैसे कार पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग और इंटीरियर, ये सब चीजें। तो दोस्तों आप मुझे फोन करोगे आपको रेट सुन के वाकई ही अचंभा लगेगा, रेट वाकई बहुत कम है, उनके लिए कम है जिनको रेट का आइडिया है, जिनको रेट के आइडिया नहीं है यहाँ का एरिया का, तो उसके लिए जब कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो फोन करिएगा क्योंकि इस पर 90% तक मैं आपको लोन करवा दूंगा, फैसिलिटी से भरा हुआ ये फ्लैट है, आसपास मैं कहता हूँ इससे बेहतर चीज मिल नहीं सकती है, क्योंकि बहुत अंदर जाने से अच्छा है आप 200 मीटर के द्वारका के डिस्टेंस पे लीजिए, और चीजें के लिए आपको कॉल करें, चैट कीजिए, और भी कुछ जानकारी अब चाहिए आपको तो दोस्तों आपका दोस्त संजय अग्रवाल हमेशा हाजिर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, हमेशा आपका प्यार बना रहेगा, प्यार बनाए रहते हैं, सहयोग जरूर दीजिएगा, इसी चलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।